असलमान दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस बी ट्वेल्व की कॉन्टिनुएशन में ये वीडियो है और आज मैं एक कंडीशन के बारे में बात करने लगी हूँ विच इज एकेथेजिया ए के ए टी एच ए एस आई एकेथेजिया आपके पास एक ऐसी कंडीशन है इट इज़ डिफरेंट फ्राम ए डी एच टी ठीक है ये टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से डिफरेंट है हालांकि दोनों में रेस्टलेसनेस होती है लेकिन जो एकेथेजिया है इसमें आपके पास सिर्फ रेस्टलेस नहीं होती बहुत ज़्यादा एजिटेशन और एग्रेशन भी होती है एंड यू के नॉट सिट सिल और ये होता है आपके पास वाइटामिन बी वन बी ट्वेल्व की कमी से और इसको करेक्टली उसी की सप्लीमेंटेशन के लिए के िन बी वन का जो आप सप्लीमेंटेशन सोर्स यूज करेंगे वो आप, 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 आप रेड मीट से लेंगे प्लीज वाइटामिन बी ट्वेल्व लेते रखा करें कि आप वाइटामिन बी ट्वेल्व के सप्लीमेंट्स ना लें मेजोरिटी वाइटामिन बील्व के जो सस्ते सप्लीमेंट्स हैं वो सियानको हैं आपको वाइटामिन पूरी करने के लिए मिथाइल कोबाल्ट वेंटिलेशन चाहिए होता है। सेना कोबाल्ट साइनाइट से बना है। इसके बहुत टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स प्रयोजते हैं। अगर ये आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे, आपको हेडेक कर सकता है, इंसोम्निया कर सकता है, रेड चीक्स कर सकता है, और बी ट्वेल्व की कमी जब आपने पूरी करनी है ना तो आप ये याद रखें कि बी ट्वेल की कमी पूरी करने के लिए आपको अपने गट पे काम करना है क्योंकि इसके जज्ब और इसके एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसीजर है वो बड़ा डिफिकल्ट है बी ट्वेल्व आपके पास दो जगहों से आता है या वो आपकी डाइट में गोश्त से आता है या फिर वो आपके गट के बैक्टीरिया से आता है या तो आपकी डाइट में गोश्त की कमी है या आपका गट खराब है और आपकी गट का बैक्टीरिया ख़राब है या आपके स्टमक का तेज़ कम है इसकी वजह है और यही वजह है कि आपके जिस समय वाइटामिन बी ट्वेल्व की कमी हुई है तो जब आप बी ट्वेल्व की कमी पूरी करेंगे एक तो आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएंगे गोश्त की तरफ़ जाएंगे मछली की तरफ जाएंगे चिकन की तरफ़ जाएंगे छोटा बड़ा गोश्त दोनों लेंगे और दूसरा आप अपने स्टमक पर काम करेंगे बहुत सारे लोग केयरलेसली uh, अपनी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स uh, लेते हैं एंटीसिड्स लेते हैं स्टीरॉइड्स लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिज लेते हैं ये सारी की सारी दवाइयाँ जो हैं आपके पास आपके स्टमक एसिड को कम कर स्टमक एसिड आपका अप होना चाहिए ऊपर होना चाहिए क्योंकि खाने का प्रोटीन उसके बगैर डाइजेस्ट ही नहीं होता और वाइटामिन बी ट्वेल्व कहां से आता है वो खाने के प्रोटीन से आता है प्रोटीन टूटेगा तो स्टमक बी ट्वेल्व को रिलीज करेगा तो वो आंतों में एब्जॉर्ब होगा ना यही वजह है कि जो एल्डरली लोग होते हैं उनमें वाइटामिन बी ट्वेल्व की कमी बहुत ज्यादा कॉमन है बिकॉज पैंतीस चालीस के बाद आपके स्टमक का तेजाब कम होना शुरू हो जाता है लोग उसको सप्लीमेंट नहीं करते तो बी ट्वेल्व की कमी जो है आपके पास शुरू हो जाती है और ये जितने लोग एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं ना मैं आपको बता दूँ कि उसमें उन्होंने बी ट्वेल्व को बहुत ज्यादा चैकअप किया होता है ट्वेल्थ को अगर आप कभी रिकमेंड भी करें ना सप्लीमेंट में तो मैं थाउजेंड माइक्रोग्राम से ज्यादा किसी को रिकमेंड नहीं करती और उसकी डोज भी मैं एक महीने बाद चेंज करती हूं चेक करती हूँ जितने भी लोग एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं मैं आपको बता दूँ उसमें उन्होंने 8000 से 40000 रिकमेंडेड डेली अलाउंस से ज़्यादा बी ट्वेल्व डाला होता है या आपको बी ट्वेल्व की बहुत गंदी किस्म की टॉक्सिसिटी कर सकता है बल्कि बी ट्वेल्व की कमी से आपके पास जो एकथेजिया होता है ना एनर्जी ड्रिंक्स लेने वाले जो है ना उनको ये सिर्फ शिवरिंग और ट्रेमर्स और एजिटेशन पता क्यों हो रही होती है क्योंकि उनको बी और कैफिन टॉक्सिसिटी हुई होती है और उनको ये एकथेजिया आपके पास हो गया होता है अपने स्टमक एसिड को बूस्ट करने के लिए अलबत्ता आपने एक चीज़ जो अपनी डाइट में डेली बेसिस पर इंक्लूड रखनी है वो हंड्रेड ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एपोसाइडर विनेगर विद मध एक से डेढ़ टी स्पून आठ से आधा घंटा पहले स्ट्रॉ के साथ आप चाहें तो मेरी ब्रांड हॉलिस्टिक स्टोब भाई साहब चावला का ऑर्डर कर सकते हैं हंड्रेड ऑर्गेनिक प्योर प्रोडक्ट्स मेरे अवेलेबल है एपल साइडर विेगर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का वहाँ से ऑर्डर कर सकती है जो फेसबुक वाली ऑडियंस है इस वीडियो में अपॉइंस वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का लिंक आ रहा है आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी आई सी ऑर्गेन विद गेट अनर इफॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज